आदित्य, आदित्य के बारे में बात करते हैं। आदित्य की भी एक अलग कहानी है। आदित्य कोई ऑफलाइन कोचिंग, कोई ऑनलाइन बैच कुछ नहीं ज्वाइन किया है। इज अ प्योर यूट्यूब स्टूडेंट और ये कहीं कोचिंग नहीं गए और इन्होंने आईटी भी क्वालिफाई किया 3000 रैंक से। और आज कितने स्कोर है आपके? 682। और 682 स्कोर से इन्होंने नीट भी फोड़ दिया। तो आदित्य से बात करते हैं। आदित्य, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मम्मी आ जाओ, मम्मी को बुला। मम्मी मैम ले जाइए उधर। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो पेरेंट्स का ही होता है। जब पता चला रिजल्ट के बारे में, तो मेरे जब गांव में जो वो हैं कजिन्स हैं, उन्होंने मतलब वो भी आपसे ही पढ़ते हैं, तो वो बड़ा खुश हुए मेरी फ़ोटो देख के आपके साथ। वो कह रहे जिनसे हम पढ़ते हैं मेरा भाई उन्हीं के साथ फ़ोटो ले रहा है, मतलब मिलने का मौका मिला है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हो रहा है। और अच्छा लग रहा है कि मम्मी और मम्मी यहाँ खड़ी हैं और अब मतलब यहाँ खड़ा हूँ और मम्मी मुझे यहाँ देख पा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितना कंटेंट YouTube पे है उतना बहुत है। अगर आपको IIT या NEET दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है, क्योंकि बस ये है कि आपको थोड़ा अपना ना मतलब माइंड को थोड़ा और फैलाना पड़ेगा, मतलब और सब कुछ मतलब हर जगह से कंटेंट उठाना पड़ेगा। हर जगह से उठाओगे जब, तो एक तो वो रिवाइज होता जाएगा और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो जो मतलब कुछ यहाँ से मिलेगा कुछ यहाँ से मिलेगा और कहीं से आपको कुछ पसंद आएगा कहीं से कुछ पसंद आएगा। तो हर जगह से जब उठाओगे तो सब कुछ कलेक्ट होता जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब होता जाएगा अच्छे से। सर YouTube भी इतना है, मतलब YouTube पे इतना है कि मैं उसको पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब अगर वो पूरा कर लूँ मैं, तो मैं कुछ और सोचूं कि हाँ मेरा ये पूरा हो गया, तो मैं अब कोई पेड बैच के बारे में सोचूं या मतलब उससे पढ़ने के बारे में सोचूं। YouTube पे इतना सारा कंटेंट है कि मैं उसको अगर कर लेता हूँ कंप्लीट, तो मेरा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट हो चाहे IIT, उसमें बहुत अच्छी रैंक आ सकती है आराम से। बहुत बढ़िया आदित्य, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा बच्चा हमारे पास आया जिस वजह रिसोर्सेज नहीं है फिर भी वो सेलेक्ट हो रहा है और IIT और नीट दोनों में सेलेक्ट हो रहा है, विच इज अ वेरी प्राउड मोमेंट। वेरी प्राउड। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। फाइनली क्या बनोगे? आज डिसाइड हुआ? डॉक्टर ही सोच लिया है। सोच लिया। पापा ने पहले ही से सोचा था डॉक्टर बनाएंगे इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बचपन से ये बीमार पड़ते थे ना, पहले बहुत ज्यादा बीमार पड़ते थे, निमोनिया हो गया था बचपन में। तो इनके पापा कहते थे ना 150-200 रुपए महीने की फीस चली जाती है, मतलब एक बार के दिखाने में। तो इनके पापा कहते थे मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इतना फीस देना पड़ता है मेरे को बार बार जाके। हमारा बीमार पड़ना काम आ गया। मतलब बहुत ज्यादा बीमार पड़ता था बचपन में। जी जी जी। उसी वजह से दिक्कत होती थी, तो वो मतलब इतनी वो नहीं थी हमारे पास, पैसे का वो था प्रॉब्लम थी, तो इसलिए बार बार कहते थे कि इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इतने मेरे को फीस नहीं भरनी पड़ेगी, बन जाएगा। तो अभी खत्म सारी प्रॉब्लम्स मैम, अभी खत्म सारी प्रॉब्लम्स। बहुत बढ़िया। सो